हाय एवरीवन, वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए ओडिशा की बहुत ही फेमस डालमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल के साथ बहुत सारे वेजेस को कुक करके इसे प्रिपेयर किया जाता है और साथ में बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो चलते हैं, देख लेते हैं रेसिपी। डालमा के लिए वेजिटेबल्स में मैं ली हूँ एक छोटा सा टमाटर, एक बड़ा आलू, 3 परवल, 1 कप कटे हुए कद्दू, 1 कप गाजर, 1 छोटा सा मूली, 2 अरबी और 1 बैंगन। सारे वेजिटेबल्स को दिखाए गए साइजेस में काट लेंगे। गैस में एक कुकर चढ़ा के उसमें 4 कप पानी डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी और स्वाद के हिसाब से नमक। यहाँ मैं 2/3 कप तुअर दाल को अच्छे से धो के ली हूँ। दाल को भी कुकर में डाल देंगे और हाई फ्लेम में पानी में एक उबाल आने देंगे। कुछ ही मिनटों में इसमें आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है। तो अब इसमें सारे कटे हुए वेजेस को डाल देंगे, साथ में टमाटर को ऐसे डायरेक्ट डालेंगे बिना काटे। 1 टीस्पून इसमें ग्रेटेड अदरक डालेंगे। एक बार सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर का लिड बंद करेंगे और हाई फ्लेम में इसमें 1 विसल आने तक कुक कर लेंगे। फर्स्ट विसल आ चुका है तो इमीडिएटली गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे। तब तक गैस में एक कढ़ाई चढ़ा के उसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 2 से 3 सूखे लाल मिर्च डालेंगे। लो फ्लेम में हम इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि जीरा का कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में जीरा का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे ग्राइंड करके दरदरा सा पाउडर प्रिपेयर कर लेंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह का दरदरा पाउडर हम प्रिपेयर करेंगे। बहुत फाइन तरह से हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है। उस बीच कुकर का प्रेशर भी अपने आप रिलीज हो चुका है। तो अब हम गैस में एक कढ़ाई चढ़ा के उसमें 3 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 2 सूखे लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून पंचफोरन और इसे चटकने देंगे। कुकर का लिड खोलेंगे और इसमें हमने जो टमाटर को डाला था उसे निकाल के कढ़ाई में डाल देंगे। टमाटर को पूरी तरह से मैश कर लेंगे और इसे 2 से 3 सेकेंड्स के लिए कुक कर लेंगे। अब कुकर के रखे हुए दाल और वेजेस को डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम इसे बॉयल होने देंगे। कम से कम 3 मिनट हो चुका है इसे बॉयल होने के। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसमें डालेंगे चॉप किए हुए धनिए के पत्ते, जीरा और लाल मिर्च का जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था उसे डालेंगे, ये 1 टेबलस्पून है और साथ में 1 टीस्पून घी डाल देंगे। इसे कवर कर लेंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसका हम लिड खोलेंगे, एक बार बढ़िया से मिक्स करेंगे इसे। हल्का ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी थिक हो जाती है। मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है और लग रहा है ना ये बहुत ही डिलीशियस और साथ में बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को अपने घर में और मुझे अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।